जी आपने एक लेटर लिखा है प्रियंका गांधी को, क्या है? उस लेटर में मैंने लिखी है कि इस समय मुख्तार पंजाब जेल में है और अपने को बचाने के लिए वो बार बार दिखा रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बेड रेस्ट पर हूँ, वहाँ उन्हीं की सरकार है। तो मैं चाहती हूँ कि आप को उनको बताई हूँ कि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। 14 साल से मैं अपने पति का हत्यारा मुख्तार अफजाल के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रही थी। कानूनी तौर पर मैंने सीबीआई के तरह वो बच गया है। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे अपराधी को मदद मत करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस जा रही है समन लेकर के, तो उसको वापस कर दिया जाएगा कि वो बीमार है, बेड रेस्ट पर है, उसको पेशी पर नहीं भेजा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों का मदद करिए आप लोग, न संरक्षण लीजिए, मेरी मदद करिए, ऐसे अपराधी को पेशी पर आने दीजिए। जी आपको क्या लगता है, अगर वहाँ की पुलिस ये कह रही है यूपी पुलिस को कि वो बीमार है, बेड रेस्ट पे है, तो उन्हें जेल के हॉस्पिटल में होना चाहिए या ऐसे? हाँ, उनको जेल के हॉस्पिटल में रहना चाहिए। वो तो हमको लगता है कि पहले से भी उन लोगों का ऐसा बहाना चल रहा था, पहले भी जब हमारी केस थी किसी न किसी यही इसी तरह का बहाना लगा करके कि तबीयत ख़राब है, मुझे बेड रेस्ट है, मैंने तरह तरह का बहाना करके पेशी पर नहीं जाता था। आज भी पंजाब सरकार ने उसकी मदद कर रही है, पेशी पर नहीं आने दे रही है। तो ये कहा जाए कि पंजाब सरकार पूरी तरह से संरक्षण दे रही है उन्हें? हाँ, हम तो यही कहूँगे कि पंजाब सरकार संरक्षण दे रही है। तो इसीलिए मैं वादा जी से निवेदन की हूँ कि आप ऐसे अपराधियों का मत सहयोग करिए। ये ऐसा खुखार अपराधी है, उस समय 7 लोगों का मिमन हत्या हुई थी, दिन दहाड़े हत्या हुई थी, पूरा देश देखा था, पूरा प्रदेश देखा था। एक मैं नहीं कह रही हूँ, जिस परिवार का किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति चला गया हो, उस घर की क्या स्थिति होगी, उस महिला की क्या स्थिति होगी, उस बहन की क्या स्थिति, उस बेटे की क्या स्थिति हुई होगी, वो हमसे पूछिए, मैं बताती हूँ। अलका जी, क्या लगता है जिस तरह के पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को संरक्षण दे रही है, क्या अपराध उनके सरकारों में अपराध इसीलिए नहीं कम हो पा रहे थे? जी, हमको तो यही लगता है कि जब इस तरह अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं तो अपराधीकरण माने अपराधों का बढ़ावा दे रहे हैं। अभी की मौजूदा यूपी सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तमाम अपराधियों पे, चाहे वो अतीफ हो, मुख्तार हो या अन्य लोग हों, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि इसी तरह न्याय होना चाहिए। अपराधी तो अपराधी है, ये है, उसके साथ तो कोई इंसाफ को मन इंसाफ ही नहीं करना चाहिए। उसको हत्यारा को उसी के साथ उसी तरह पेश होना चाहिए, जिस तरह हमारी सरकार इस समय यूपी में सरकार है योगी जी का, जैसे उन लोगों का इस समय जाकर के छुप गए हैं सभी अपराधी, किसी का पता नहीं चल रहा है, उसी तरह उन लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए जिस तरह के वो लोग व्यवहार किए हैं लोगों के साथ, जिस तरह का हत्या किया है, अपराध किया है, ऐसे अपराधी का अंत होना चाहिए इस देश से इस समय की। मैम, क्या लग रहा है कि इस तरह के पत्र लिखने के बाद कुछ उम्मीद की किरण जग रही है कि वो आपकी बात को सुनेंगी एक महिला होने के नाते? जी, मेरा विश्वास है कि बाडा जी मेरी बात समझेंगी और इस पर ज़रूर मेरी मदद करेंगी। मैम, आपको ये भी जानकारी होगी कि अब्बास के बड़े अच्छे, मुख्तार के बेटे के बड़े अच्छे संबंध हैं वहाँ की सत्ता में, और वो आज के नहीं हैं, वो कॉलेज जमाने के हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का वास्ता दे करके वो सरकारें उसकी मदद कर रही हैं। जी, मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ, ये हमको नहीं जानकारी है कि उस परिवार से उस परिवार दोनों का संबंध बना है, लेकिन इसलिए मैं पत्र लिख करके भेजी हूँ कि ऐसे लोगों का सहयोग और साथ नहीं देना चाहिए, इससे उसका मनोबल और बढ़ेगा, वो और हत्या और इसी तरह का लूटपाट और खसोट करता रहेगा, इसी तरह की हत्या करता रहा, अब तक ले तो करता ही रहा, पिछले सरकारों की जो था संरक्षण में वो काम किया था, आज भी उसी तरह का उसका संरक्षण मिलता रहेगा, तो हमको लगता है कि ऐसा अपराधियों का अंत नहीं हो सकता है, अपराधीकरण का अंत होना चाहिए। मैं इसीलिए बड्डा जी को फोन पत्र लिखी हूँ।
राजस्थान सरकार की इस समय की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं और किसी तरह की और कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि न्याय मिले। न्याय का मतलब कि ऐसे अपराधी को सजा मिले। जब सजा मिलेगी तभी उस परिवार का जिसका गया है बेटा, जिसका गया है पति, उसको तब संतुष्टि होगी कि हाँ अपराध करने का क्या नतीजा होता है।